क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा फूल भी मौजूद है जिसे बस छूने भर से इंसान की मौत भी हो सकती है? या फिर आप यह जानते हैं कि दुनिया में सबसे महंगा मसाला कौन सा है? या फिर क्या कभी आपने ऑर्गेनिक घर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 5, आज तक आपने पानी के ऊपर मौजूद एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आकर्षक ब्रिज देखे होंगे जो एक शहर से दूसरे शहर के किनारों को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपने एक ऐसे पुल के बारे में सुना है जो पानी के अंदर मौजूद है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि स्वीडन और डेनमार्क के बीच मौजूद इस अद्भुत पुल को ऑर्सेंड ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो आधा पानी के ऊपर मौजूद है और आधा पानी के अंदर। यह पुल स्वीडन को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन शहर से जोड़ता है, जो समुद्र के अंदर सुरंग के रूप में बना हुआ है। इस पुल को देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट स्वीडन और डेनमार्क पहुंचते हैं, जो इंजीनियरिंग के अद्भुत मिसाल पेश करता है। ऑर्सेंड ब्रिज पर गाड़ी चलाने का अलग ही मजा आता है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए सैकड़ों लोग यहां आते जाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, आज तक आप सभी ने अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आकर्षक फूल देखे होंगे जिनके जरिए इंसान अपने प्यार का इजहार भी करता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे फूल के बारे में सुना है जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत होता है लेकिन उनके संपर्क में आने से इंसान की मौत भी हो जाती है? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक फूल के बारे में, जिसे व्हाइट स्नेक रूट के नाम से जाना जाता है। यह पौधा मुख्य रूप से पूर्वी और उत्तरी अमेरिका के जंगल में पाया जाता है, जिसमें सफेद रंग के खूबसूरत फूल आते हैं। व्हाइट स्नेक रूट में जहरीला अल्कोहल ट्रेमेंडोल पाया जाता है, जिसे छूने भर से ही इंसान की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, इस पौधों को छूकर मरने वाले लोगों के चेहरे पे एक खास तरह की स्माइल आ जाती है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि इंसान हंसते हंसते मरा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मां नैन्सी हैंक्स की मौत भी व्हाइट स्नेक रूट को छूकर ही हुई थी, जिसे अमेरिका में बहुत ही खतरनाक फूल माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर एक पक्षी अपने भोजन में छोटे कीड़े मकोड़े खाना पसंद करता है और पेड़ और घोंसला बनाकर रहता है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी मौजूद है जो अपने घोंसले में जुगनू लटका के सोता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फिलीपींस में पाए जाने वाले बोया नाम के पक्षी को रोशनी बहुत ज्यादा पसंद होती है। ऐसे में यह पक्षी दिन भर सूरज की रोशनी में रहता है, लेकिन रात के समय भी इसे रोशनी चाहिए होती है। इसीलिए बोया पक्षी अपने घोंसले के चारों तरफ जुगनू लटका लेते हैं ताकि रात के समय भी उसे भरपूर रोशनी मिल सके। इसके लिए बोया पक्षी जुगनू की तलाश करते हैं और उसे अपने घोंसले में फंसा लेते हैं। ऐसे रात में जब जुगनू चमकते हैं तो बोया पक्षी का घोंसला रोशनी से चमक उठता है। क्या आपने इस तरह के पक्षी के बारे में कभी सुना है या फिर देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आजकल तो पता ही है आपको कि शुद्ध चीज नहीं है, कुछ ना कुछ मिलावट जरूर होती रहती है और इसीलिए सब ऑर्गेनिक फूड के पीछे भागते रहते हैं। आप सभी ने ऑर्गेनिक फ्रूट और सब्जियों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऑर्गेनिक घर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको बता दें। तस्वीर में दिखाई देने वाला इस शख्स का नाम डॉक्टर शिव दर्शन मलिक है और इस तस्वीर में जो जिस घर के सामने मौजूद है वह सीमेंट से नहीं बल्कि गोबर के लेप से तैयार किया गया है। और इस कमरे को बन के तैयार करने में इन्होंने अपने गाय के 8 दिन के गोबर के अलावा मिट्टी चूना का इस्तेमाल किया है और इस कमरे के ऑर्गेनिक घर को तैयार करके सोशल मीडिया पे छा गए। फैक्ट नंबर 1, वैसे तो दुनिया भर में अलग अलग तरह के मसाले पाए जाते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ साथ काफी महंगे भी होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है और उसकी खेती कहाँ की जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा मसाला केसर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। केसर को रेड गोल्ड भी कहा जाता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत में बेचा और खरीदा जाता है। अभी के टाइम में केसर मसालों में सबसे महंगा है, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि केसर के पौधों पर उगने वाले 1.5 लाख फूल से सिर्फ 1 किलोग्राम ही केसर बनता है, जिसकी वजह से केसर की कीमत हीरे से भी कई गुना ज्यादा हो गई है। केसर में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसका खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है और प्रेग्नेंट महिला के लिए केसर को दूध के साथ मिला के पीने से माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। भारत के कश्मीर में केसर की खेती बड़े ही पैमाने में की जाती है, जिसका इस्तेमाल खाने से लेकर चेहरे पे लगाने वाली क्रीम का निर्माण करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी केसर का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब से बहुत ही भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ेगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।